तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, व्हाट्सएप की तरफ से एक नया अपडेट आया और एक नए फीचर को जोड़ा गया है व्हाट्सएप के बीटा वर्जन पे। दोस्तों आपको पता होगा, जब भी आप किसी को व्हाट्सएप पे कोई फोटोज भेजते हैं तो उससे उसकी फोटो की क्वालिटी है वो कंप्रेस हो जाती है, या बोल सकते हैं फोटो की क्वालिटी गिर जाती है और लो क्वालिटी में आपकी वहाँ पर फोटो सेंड होती है दोस्तों, उसके पिक्सल गिर जाते हैं। बट मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूँ, या कह सकते हैं व्हाट्सएप ने एक नया फीचर निकाला है जो कि अपकमिंग अभी नॉर्मल बीटा यूजर के लिए, टेस्टर के लिए निकाला गया है, कुछ टाइम बाद नॉर्मल यूजर के लिए मिल जाएगा दोस्तों। ये फीचर है, आप अगर आप किसी को व्हाट्सएप पे फोटो सेंड करेंगे तो आप उसकी क्वालिटी को बेस्ट क्वालिटी तक सेंड कर सकते हैं। एचडी इसलिए नहीं बोलूंगा कि कुछ उसमें कुछ पार्ट को कंप्रेस किया जाता है, पूरी फोटो को कंप्रेस नहीं करेंगे, कुछ पार्ट को कंप्रेस करेंगे, फिर भी बेस्ट क्वालिटी में आप वहां से फोटो को शेयर कर पाएंगे अपने व्हाट्सएप पे कहीं भी किसी को इजीली। आपको कोई डॉक्यूमेंट्स करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल आप फोटो सेंड करेंगे तो सेम वैसे ही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फीचर कहां मिलेगा, कैसे आप इसको यूज करेंगे, तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ एचडी फोटोज के बारे में, या बोल सकते हैं व्हाट्सएप के नए फीचर के बारे में। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको व्हाट्सएप के जो ट्वीट ऑफिशियली जो व्हाट्सएप का बीटा वर्जन है वहां से उन्होंने एक ट्वीट करा था। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा गया, व्हाट्सएप ब्रिंग एचडी फोटो फॉर बीटा टेस्टर टूडे। तो दोस्तों ये उन्होंने आज लॉन्च किया गया था। तो आप यहाँ पर अगर जाएंगे ये लिंक पे, तो आप यहाँ पर देखेंगे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि व्हाट्सएप में अब ऐसा करने वाला है कि अगर आप किसी को फोटो भेजते हो तो उसकी जो क्वालिटी है वहाँ पर अच्छी क्वालिटी कर देंगे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर, जो नया फीचर लॉन्च हुआ है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एचडी फोटो करके यहाँ पर नया फीचर को लॉन्च किया गया है और साथ में रोलिंग आउट हो चुका है। यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलने वाले हैं। सबसे पहले मिलने वाला है आपको ऑटो रिकमेंड, मतलब अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क अच्छा है तो ये अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो जाएगी, अगर आपके नेटवर्क अच्छा नहीं है तो नो नेटवर्क है तो आपका जो भी फ़ोटो जाएगा लो क्वालिटी में जाएगा। तो ये होता है ऑटो वाला। उसके नीचे आपको मिलेगा बेस्ट क्वालिटी, मतलब जो फ़ोटो बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क कैसा भी हो अगर आपने बेस्ट क्वालिटी टिक कर दिया तो फोटो अच्छी क्वालिटी में ही जाएगा। और सबसे नीचे डाटा सेवर, अगर आप ज़्यादा कुछ ऐसी फ़ोटो भेजना चाहते हैं जो अच्छी क्वालिटी में नहीं हो तो आप उसको डाटा सेवर मोड पर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन बात, यहाँ पर आप देखेंगे जो एक नई चीज़ लिखी गई है यहाँ पर, जो व्हाट्सएप पे अगर आप फोटो किसी को सेंड करेंगे एचडी बेस्ट क्वालिटी करने के बाद तो भी वो 80% आपकी ओरिजिनल रहेगी और 20% फोटो को कंप्रेस कर दिया जाएगा, मतलब कि 20% फोटो को तब भी कंप्रेस करके भेजा जाएगा, ओरिजिनल फोटो नहीं रहेगी, या बोल सकते हैं एचडी फोटो नहीं रहेगी। बट फिर भी उन्होंने इस फीचर का नाम एचडी फोटोस रख दिया गया है। तो मैं आपको यूज़ करके बताऊँगा कैसे करेंगे और ये कहाँ ऑप्शन मिलने वाला है। उसके बाद अगर आपकी जो फोटो है पिक्सल उसके 2048 से भी ज़्यादा पिक्सल हैं तो भी उसकी क्वालिटी को रिसाइज कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। अगर आप बीटा यूज़र हैं तो आपको इसको कर लेना है पहले तो अपने व्हाट्सएप को अपडेट करने के बाद आप जैसे यहाँ पर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर आप बैक आएंगे, आपको ओपन करने के जाना है थ्री डॉट्स में जाने का जाना है आपको सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है स्टोरेज एंड डेटा वाले ऑप्शन पे। सबसे नीचे आप देखेंगे आपको एक नया ऑप्शन मिल रहा है फोटो अपलोड क्वालिटी। तो आप यहाँ देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो पे रहेगा, बेस्ट क्वालिटी, डाटा सेवर, ये आपको तीन ऑप्शन दिए हैं। ऑटो को जैसा मैंने बताया, अगर आपके पास नेटवर्क अच्छा रहेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो व्हाट्सअप खुद ही डिसाइड करेगा कि कैसा भेजना है। और बेस्ट क्वालिटी मतलब कोई भी हो आपको उनको फुल अच्छी क्वालिटी जाएगी, और डाटा सेवर मतलब लो क्वालिटी जाने वाली है। तो मैं आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर डेटा सेवर को ले लिया है। उसके बाद जब भी आप करें तो एक बार ऐप को क्लोज कर लें, क्योंकि अभी टेस्टिंग यूज के लिए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। अब इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ मैं अपनी ही चैट पे, मैं यहाँ पर एक अपने आपको ही एक फ़ोटो सेंड कर देता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी ही कोई सी फ़ोटो एक अपने आपको सेंड कर देता हूँ। तो लाइक आप देखेंगे मैंने यहाँ पर ही अपनी एक फ़ोटो मैंने यहाँ पर चूज़ कर ली, कोई सी भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो आप ये मेरे कुछ बग बीटा वर्जन में बात, जैसा कि व्हाट्सएप पर चला रहा हूँ तो उसमें कुछ बग के कारण बाय डिफ़ॉल्ट ये रोटेट हो जाता है, तो आप उसको मत ध्यान दीजिएगा। और ये मैंने फ़ोटो यहाँ पर सेंड कर दी है, ये आप देखेंगे मैं अपनी दूसरे व्हाट्सएप पर भेजी है आपके बिजनेस पे, और ये आप देख सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ये फोटो यहाँ पर कितने एमबी की सेंड हुई है, बोल सकते हैं कितने केबी की सेंड हुई है आपको दिख रहा होगा, 209 KB की यहाँ पर ये फोटो को सेंड किया गया है, ये आपको दिख रहा होगा, क्लियरली विजिबल होगा। अब मैं इसको कर लेता हूँ वापस एचडी बेस्ट क्वालिटी में और फिर आपको वहाँ पर सेंड करके दिखाता हूँ। आपको दिख रहा होगा 209 क्वालिटी में ये भेजी है मैंने। अब मैं वापस अपने व्हाट्सएप पर आता हूँ। व्हाट्सएप पर आने के बाद इसमें कुछ बग होने के बाद कभी कभार ये वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं वापस व्हाट्सएप पर आया, स्टोरेज पर आया, यहाँ पर आने के बाद डेटा सेवर पर आया, और यहाँ पर मैंने इसको बेस्ट क्वालिटी पर टिक करा। टिक करने के बाद मेरे हिसाब से उसको बंद कर देना, क्योंकि कुछ अपडेट या टेस्टर होने के कारण ये बहुत जल्दी वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने वापस इसको यहाँ पर गया, यहाँ पर वीडियो फ़ोटो की क्वालिटी को चेक करने के लिए मैंने वापस वही की वही फ़ोटो उठाई जो मैंने अभी रिसेंटली भेजी थी। अब मैं इसको बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यही मैंने फ़ोटो वहाँ पर भेजी थी, तो वही की वही फ़ोटो मैंने वापस रीसेंड कर दी और बैक HD उस वाली फ़ोटो में, या बोल सकते हैं बेस्ट क्वालिटी वाली फ़ोटो सिलेक्ट करके अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सेम ही आया, मतलब कि कुछ ना कुछ इसमें इशू है, या बोल सकते हैं टेस्टिंग में इशू है। तो अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आपको कैसे पता चलेगा कि अभी बिल्कुल सही है गलत है, या टेस्टिंग में कुछ इशू चल रहा है, उसमें कुछ बग है। तो वापस मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। यहाँ से डिलीट करने के बाद मैंने यहाँ से भी इन फ़ोटो को भी डिलीट कर देता हूँ। ये फ़ोटो मैंने यहाँ से डिलीट भी कर दी और वापस मैंने यहाँ से उसको बंद करा व्हाट्सएप को। अब मैं दोबारा व्हाट्सएप को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर अब इसको यहाँ पर डेटा सेवर पे ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पहली फ़ोटो डेटा सेवर पे सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर वापस आता हूँ मैं फ़ोटो पे, और यहाँ से मैं अपनी कोई सी भी फ़ोटो को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, दोबारा से फ़ोटो को सेंड करता हूँ। तो आप देखेंगे मैंने यहीं से अपनी कोई सी भी फ़ोटो उठाई और ये फ़ोटो मैंने यहाँ से सेंड कर दी डेटा सेवर पे, ठीक है। आफ्टर क्लीनिंग करने के बाद मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ बगिंग के कारण कभी कभार वो ऑप्शन वर्क नहीं कर रहे, अभी अब डेफिनेटली वर्क करेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, व्हाट्सअप बिजनेस पे आ गया हूँ वापस। अब मैं आ गया यहाँ पर, आप देखेंगे दोस्तों ये जो फ़ोटो आई है 318 KB की मेरी फ़ोटो आई है। अब मैं वापस आपको ले चलता हूँ वहाँ पर व्हाट्सअप पे। व्हाट्सअप पे ले जाने के बाद मैं अब उसकी क्वालिटी को चेंज करता हूँ बेस्ट क्वालिटी में, सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद मैं वापस इसको आ गया और यहाँ पर मैंने इसकी क्वालिटी कर दी बेस्ट क्वालिटी। बेस्ट क्वालिटी करने के बाद मैंने यहाँ से उसको व्हाट्सअप को बंद करा, वापस ऑन करा। वापस ऑन करने के बाद मैं अपनी चैट पे गया और वही की वही फ़ोटो मैं दोबारा आपको सेंड करता हूँ। तो मैं यही फ़ोटो दोबारा था, यही की यही फ़ोटो मैंने यहाँ से दोबारा उठा ली और यहाँ से मैंने उसको सेंड कर दिया बेस्ट क्वालिटी में करके। अब ये सेंड हो चुकी है। अब मैं आपको ले चलता हूँ वापस अपने व्हाट्सएप बिज़नेस पे। बिज़नेस पे आएंगे तो अब आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। 334 KB की जो नीचे वाली फ़ोटो आई है वो 334 KB की आपको दिख रहा होगा, या 334 KB की आई है, और ऊपर वाली जो फ़ोटो आई है आपको देख सकते हैं दोस्तों विजिबल हो रहा हो तो, ये ऊपर वाली आई है 318 KB की और नीचे वाली 334 KB की। आफ्टर कुछ बग के कारण कभी कभार वो फ़ोटो पे नहीं चेंज होता ऑप्शन, तो आप उसको क्लियर बंद करके करेंगे तो आपको ये वर्क करना लग जाएगा। इसलिए मैंने आपको प्रॉपर एरर वाला भी बताया, उसके बाद का सलूशन भी बताया। आफ्टर कुछ टाइम बाद बग फिक्स हो जाएगा, बट अभी जो नया नया फीचर है तो उसमें थोड़ा सा बग है जो मैंने आपको क्लियरली बताया, आप उसको कैसे यूज़ कर पाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू दोस्तों। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो में कुछ कमी है तो आप मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, या कुछ भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूंगा। और हो सके दोस्तों आप मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।